बोलिए सदगुरुदेव की जय। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। रामचंद्र जी बड़ा सुंदर प्रसंग अपने गुरुवर को निष्पक्ष भाव से कह रहे हैं। हे गुरुवर, अहंकार अज्ञान से उत्पन्न होता है। बिल्कुल, इस अहंकार शत्रु से मैं बहुत भयभीत हूं। आप इस प्रवचन को ध्यान से सुने। विविध प्रकार के रूप धारण करने वाला यह है संसार, अहंकार के प्रताप से ही दीन मनुष्य को दोष के कोष रूपी अनर्थ को देता है। जो अहंकार न होता तो मनुष्य बहुत से पाप न करते। अहंकार से ही आपत्तियां उत्पन्न होती हैं। अहंकार अनेक मानसिक पीड़ाओं का हेतु और अहंकार से ही नाना प्रकार की चेष्टा होती है। और अहंकार ही मेरा परम रोग है, राम जी बोल रहे हैं। अब साहब कह रहे हैं, काम क्रोध मद लोभ सबे मिल या तन में करे ठकराई। हे मुनीश्वर, इस चिर शत्रु अहंकार के भय से न सो पाता हूं, न भोजन खा पाता हूं मैं, और न जलपान करता हूं, फिर विषय भोग का क्या कहना। छोटे बड़े यवन मात्र के जितने भी दुख हैं अहंकार से उत्पन्न होते हैं। मोटी माया सप्तजे मान तजा नहीं जाए, पीर पैगंबर ओलिया मान सबिन को खाए। हे मनीश्वर, यदि अहंकार है तो मनुष्य तो आदमी दुखी होता है, और यदि अहंकार नहीं तो सुखी होता है, इसलिए अहंकार का न होना श्रेष्ठ है। हे मुनि, अहंकार को छोड़कर शांति चित रहता हूँ, क्योंकि भोगों का समूह तो नाशवान है, अर्थात आज है और कल नहीं। हे ब्राह्मणम, जब तक अहंकार रूपी मेघ छाए हुए हैं तभी तक तृष्णा कामना रूपी कुटज की लता विकसित रहेगी। अहंकार रूपी मेघ के शांत होते ही कामना रूपी नवीन बिजली की लता बुझे हुए दीपक की लौ समान शीघ्र ही न मालूम कहाँ चली जाती है। ये मन रूपी गजेंद्र हाथी ऐसा गरजता है शरीर रूपी महाविकट वन में, जो अहंकार रूपी मृगपति सिंह उत्साहपूर्वक विराजता है। उसके ही कारण यह संसार व्याप्त है, मन के कारण व्याप्त है। जैसे कामी पुरुष मोतियों की माला को कंठ में धारण करते खुश होते हैं, वैसे ही तृष्णा रूपी तागे में गुथी हुई अनंत जन्म परंपराएं इस अहंकार ने धारण किए हैं। हे मुने, इस अहंकार नामक बैरी ने बिना तंत्र मंत्र ही पुत्र मित्र स्त्री आदि में मोह का बंधन बांध रखा है। अहंकार हूं मैं। आप विचार करें, नानक देव जी भी फरमा रहे हैं, नानक हो मैं रहा अड़ाई। आज तत्व ज्ञान की तरफ कोई बातचीत नहीं कर रहा है, किसी का ध्यान नहीं है, ये सब शिक्षाएं समाप्त हो चुकी है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, ये सन 88 की बात है, 89 की होगी। रामायण सीरियल चल रहा था रामानंद सागर जी के प्रोडक्शन में, तो लोग देखते थे, हमारे सैनिक भाई भी, आम आदमी भी देखते थे। पता है, एक दिन एक ने कहा, भाई आज सीरियल कैसा था? बोला आज मजा नहीं आया। बोला क्यों? बोला आज युद्ध बुद्ध नहीं था। यानी हमारी वृत्ति युद्ध की तरफ झुकी है, ज्ञान की तरफ नहीं है।
हे ब्राह्मणम, मैं अहंकार रहत हूँ, किंत अहंकार अज्ञानवश दुख पाता हूँ, इसलिए जो कुछ मेरे लिए हितकारी है वही वर्णन करना आपको योग्य है। हे महान भाव, यमन मात्र आपत्तियों का स्थान नाशपर, हृदय में रहने वाला सद्गुणों रहित और दुख से पूर्ण इस अहंकार का त्याग करता हूँ, जो कुछ शेष है उसका उपदेश आप मुझको कृपा करके कीजिए। वाह, ये अहंकार ही मैं है, मान है। यहाँ साहब कह रहे हैं, मोटी माया सब तजे, झीनी तजी न जाए। पीर पैगंबर औलिया झीनी सबन को खाए। मैं एक स्टूडियो बना रहा हूँ जो लगभग तैयार होने वाला है, वो साउंड प्रूफ है, उससे मेरी आवाज़ बड़ी साफ आएगी और विज़न भी ठीक होगा, क्योंकि मेरा प्रोग्राम हज़ारों लोग देखते हैं पूरे विश्व में। इसलिए मैंने विचार किया कि आज टेक्निकल युग है, मैं यहाँ ही बैठ कर के अपना संदेश लोगों तक पहुंचाता रहूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा भी। हे मुनीश्वर, ये मेरा चित्त काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार आदि तृष्णाओं द्वारा जर्जर हो गया है, और महापुरुषों को जिनको पूर्ण वैराग्य विचार धैर्य और संतोष है उनकी ओर नहीं जाता है। ये राम जी बोल रहे हैं। सर्वथा विषयों के चारों ओर झपटता फिरता है, जैसे मोर के पंख वायु के लगने से एक जगह नहीं ठहरते, जैसे गांव का कुत्ता रोटी न मिलने से इधर उधर दूर दौड़ता फिरता है, वैसे ही ये मन भी वांछित पदार्थ न मिलने से व्याकुल होकर इधर उधर घूमता है। साहब ने मन पर बहुत कुछ कहा है। मन के अंग पर जितना साहब ने सहज रूप में कहा कोई नहीं कहा। फिर इस मन को कहीं धन भी मिल जाता है, जैसे बांस के पिटारे में पानी भरने से वह कभी नहीं भरता, अर्थात धन प्राप्त होने पर मनुष्य की इच्छा रहती है कि और धन मिले। अब साहब क्या कह रहे हैं, कोड़ी कोड़ी जोड़कर कीने लक्ष करोड़, कोड़ी संग न जाते हैं केता दाम बटोर। हे मुनीश्वर, बुरी आशाओं की जल से बंधा हुआ और शून्य जो ये मन है सो कभी शांति को ऐसे नहीं प्राप्त होता है, जैसे अपने समूह से बिछड़ा हुआ मृग इधर उधर भटकता है, ये एकाग्र ही नहीं होता है। अब यहां साहब कह रहे हैं, मानत नहीं मन मोरा, साधो मानत नहीं मन मोरा। जैसे लहर चंचल होती है वैसे ही मन भी है, कहीं स्थूल विषय में कहीं कभी सूक्ष्म विषय में लीन रहता है। इनको त्याग कर कभी क्षण भर के लिए भी शांति लाभ नहीं करता। यह मन सदा विषय वासनाओं से खेदित होकर दसों दिशाओं में ऐसे डोलता है जैसे रूई रूपी मंदराचल पर्वत से मथा हुआ क्षीर समुद्र का जल मनोरथ रूपी तरंगों से युक्त होकर माया रूपी मकरों से व्याप्त इस मन रूपी समुद्र को रोकने में मैं असमर्थ हूं। आप कल्पना करें, आप सोचें, राम जी बोल रहे हैं ये। इसलिए ये संसार का कारक और कारण राजा ही मन है,
इतना शक्तिशाली है। यहां साहब कह रहे हैं मन निरंजन सबे नचाए, नाम होए तो मात न आए, बिना नाम डहकाए जग को। वाह, मैंने हिंग का एक प्रमाण दिया, 27 लाख किस्म के कीट हैं, उसमें सभी बीमारी के वायरस भी आ जाते हैं। हींग से ये कीट रोधक है, कोई भी कीट इसके पास नहीं आएगा। मेरे ख्याल से कीटों में मक्खी की वृत्ति सबसे खराब है। वो एक मिनट में 7 बार मल करती है, लेटरिन करती है, अपने मल द्वार को अपने पैरों से साफ करती है। इसलिए मक्खी जहां बैठी उसकी विष्ठा वहां बैठेगी, पहुंचेगी। इतनी अधीर है वो कि शांत नहीं बैठती है, और खाने के बारे में बकरी कभी तृप्त नहीं होती। इनको ताड़ना दो। मुझे एक प्रसंग याद आ गया, बीरबल बहुत बड़ा स्वतंत्र भाव का था, अपने विचार बड़े तरीके से राजा के आगे रखता था। कभी कभी उससे अकबर क्रोध हो जाता था, और क्रोधित होकर उसे देश निकाला देता था कि 6 महीने के लिए, 2 महीने के लिए देश निकल जाओ। अकबर बीरबल स्वाभिमानी था, चला जाता था। लेकिन बीरबल के जाने के बाद अकबर निराश हो जाता था, राज हटता, राज अहंकार था। जहां अहंकार होगा आदमी दमन करेगा, पक्का दम्भ है। जल का स्वभाव शीतल है, अहंकार की वृत्ति दम्भता है। जिसमें अहंकार होगा दूसरे को दबाएगा। अहंकार के कोई सींग नहीं है, अहंकार के ही लक्षण है। पहला उसमें दम्भ आएगा, वो सोचेगा बस मैं ही मैं हूं, और दूसरे को दबाएगा। ये भी हिंसा है। मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं देना। तो राजा था, अहंकार था, बीरबल बड़ा स्वाभिमानी था, चला जाता था ऐसे ही। लेकिन बीरबल के जाने के बाद बादशाह अकबर उदास हो जाता था। वो उनके 9 रत्नों में से प्रमुख था। ऐसे ही एक बार किसी विषय पर नाराज हुआ अकबर, उसे देश निकाला दे दिया, बीरबल चला गया। बीरबल के बिना अकबर उदास हो गया। उसने एक युक्ति बनाई, उसने कहा जो इस बकरी को 15 दिन अपने पास रखे, जितना वजन आ जाए उतना वजन 15 दिन बाद भी रहे, और उसे अघा दे, अघा दे। हाँ बोला, ये बकरी को कोई अघा दे, छका दे, यानी संतुष्ट कर दे खाने में, उसको 500 मोहरे इनाम होगी। अगर बकरी को नहीं अघा पाया तो 500 कोड़े लगेंगे। ढंडोरा पीटने वाला दिल्ली शहर में ढंडोरा पीटता रहा। बीरबल एक लोहार के यहां लोहे कूटने का काम कर रहा था, छिपकर अपना भेष बदल कर। लोहार को अकबर ने, बीरबल ने कहा ये बकरी लाओ, इसको मैं छका दूंगा। और तुम्हें 500 मोहरे मिल जाएगी। लोहार डरवश कहा, महाराज मैं 500 कोड़े नहीं खा सकता हूं,
बकरी कभी अगाती नहीं है, खाती रहती है, फेंगड़ियाँ करती रहती है, ये संतुष्ट नहीं होती है। बकरी का एक प्रमाण भी मिलता है, बोला मैं इसको अगा दूंगा, आप मत चिंता करो, ले आओ, मेरा भरोसा रखो। लोहार ने उसको थोड़े दिन में देखा कि आदमी है तो बुद्धिमान। वो ढंडोरे वाले से जाकर बोला, भाई ठीक है मुझे बकरी दे दो, मैं इसे अघा दूंगा, तृप्त कर दूंगा। उसने कहा, भाई देखो लोहार, राजा की शर्त है, उसे ध्यान से सुनो, अगर तुम इसको नहीं अघा पाए, नहीं छका पाए, और जब वहां ले जाएंगे कुछ, अगर बादशाह ने दिया खाने लगी बकरी, तो भैया 500 कोड़े लगेंगे। उसने कहा, ना ठीक है मैं आगा दूंगा। लोहार ने बकरी ली। 15 दिन बाद राजा का सुपरसालार आया, लोहार को कहा, भाई बकरी दो और चलो राज दरबार में। पहुंचा बकरी लेकर राज दरबार में, राजा ने कहा, अकबर ने कहा, हे लोहार अभी भी सुन लो, ये बकरी की कोख खाली लग रही है, अभी भी तुम्हें मौका है, मैं कुछ दूंगा अगर खाया तो तुम्हें 500 कोड़े पड़ेंगे, अभी भी सोच लो। बोला, महाराज इसका पेट भर चुका है, कुछ नहीं खाएगी अभी। अकबर ने इशारा किया, हरे चने डाली शहद लाए, और बकरी उनको बड़े चाव से खा लेती। जब बकरी की तरफ यूं बढ़ाए, बकरी ने मुंह फेर कर पीट कर दी उस तरफ, नहीं खाई। बड़ा यत्न किया, बड़ा यत्न किया, बकरी ने कुछ नहीं खाया। लोहार ने कहा, राजन मैं इस शर्त में जीत गया हूं, मुझे 500 मोहरें दो। अकबर ने कहा, मोहरें बाद में दूंगा, पहले ये बताओ बीरबल हैं कहां। बोला, महाराज मैं बीरबल को नहीं जानता, कहां है। बोला, ये काम बीरबल के अलावा कोई नहीं कर सकता, तुम्हारा दादाजी भी नहीं कर सकता, जल्दी से बता बीरबल कहां है। लोहार सही में नहीं जानता था। उसने कहा, महाराज ये सूत्र मुझे एक मेरे नौकर ने दिया जो लोहा पीटता है मेरे यहां। बोला, कितने दिन से वो तुम्हारे पास है। बोला, 1 महीने से। बीरबल ने नाम भी बदल दिया था। लोहार के साथ अपने आदमी भेजे, उसे पकड़ लाए, वो बीरबल ही था। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, हे बीरबल तूने इस बकरी को संतुष्ट कैसे किया, बकरी तो कभी अगाती नहीं, खाती जाती है, फेंगड़ी करती जाती है, इसका मुंह चलता रहता है, जो लोग अधिक खाते हैं उसको भी यही मुहावरा बोलते हैं, क्या बकरी की तरह खाए जा रहे हो। उसने कहा, हुजूर बकरी को मैं खिलाता था, बकरी क्या करती थी, जो भी चीज पड़ी उसमें मुंह डालती थी, ये मैंने एक चाबुक बनाया जो घोड़े को मारते हैं, देखना उसमें मोम लगी होती है, वो चाबुक घोड़े को करंट देता है, जैसे वो किसी चीज की तरफ मुंह बढ़ाती थी मैं उसके मुंह में चाबुक खींच के मारता था। धीरे धीरे बकरी को ये इल्म हो गया कि जब तक ये आदमी नहीं बोले खाओ तब तक नहीं खाना है, नहीं तो मार पड़ेगी। मैं आपको इसका एक उदाहरण दूं, तो अब जब मैं उसको पुचकार करके कहता था खाओ, वो भाषा समझ गई थी, तब खाती थी, नहीं तो कभी भी नहीं खाएगी ये। वाह, देखा, मैं ये कहना चाहता हूं, ये मन ऐसे नहीं सुधरता है, इसको कस कर रखना,
ये बकरी से भी बेकार है, ये हमेशा विषयों की तरफ दौड़ेगा, ये हमेशा संसार के पदार्थों की तरफ दौड़ेगा। मैं इसका छोटा उदाहरण देता हूँ। एक ये अजय मेरा भतीजा है, छोटा था, मैं घर कम आता जाता था, मेरा घर ही नहीं है, घर होता है बाल बच्चे, मेरे छोटे भाई का ये बच्चा है, छोटा था, उम्र 1.25 साल के आसपास था, रेंग कर चलता था, बैठकर बच्चे चलते जैसे। तो मैं जैसे भोजन खाने के लिए बैठा, मैं तो एक निवाला लेकर भोग लगाने लगा, इतने में उस बच्चे ने मेरी थाली से भोजन खाना शुरू कर दिया। मैंने उसकी माँ को कहा, भाई इसने तो भोजन जूठा कर दिया, अब मैं नहीं खाऊंगा, दूसरा दे दो। तुमने बच्चे को सिखाया नहीं। वो मुंह पर चुन्नी रखकर उसकी माँ हंसने लगी। क्यों हंसने लगी? ये सोचा गुरुजी कितने बेवकूफ है कि इतने छोटे बच्चे को कैसे समझा सकते हैं। मैं उसकी प्रक्रिया से जान गया, मैंने दिल में ठान लिया कि इसको मैं समझाऊंगा। जब वो दोबारा भोजन लाई, अब वो फिर हाथ बढ़ाने लगा, मैं कहा नहीं नहीं। बच्चा इशारे की भाषा को समझता है। मैं भोजन खाने, वो हाथ नहीं बढ़ाया। वो ऐसा क्यों हुआ था? उसके माँ बाप जब भोजन खाते थे उनके साथ खा लेता था, कोई उसे मना नहीं करता था, था भी सुंदर सा, इसलिए उसने कहा ऐसे ही खाया जाता है। वाह। अब वो अपनी माँ को यूं कह रहा था, मम्मी खाने नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं बोल पा रहा था, संकेत में बोल रहा था, मम्मी ये खाने नहीं, यानी नहीं खाने दे रहा। मैं भोजन करता रहा, वो मुझे देखता रहा, जैसे भोजन की थाली की तरफ हाथ बढ़ाए, मैं उसको कहता नहीं। मैंने फिर उसको कहा एक कटोरा लाओ, इशारा किया, ये रेंगता गया, माँ ने ऐसे कटोरा दिया। मैंने थोड़ा भोजन का अंश कटोरे में डाला, ये फिर कटोरी की तरफ हाथ बढ़ाया, मैंने कहा नहीं नहीं, मैं खाता रहा, ये निवाले को मेरे मुंह को देखता रहा। बाद में मैंने उसको कहा खाओ, अब वो कटोरे में खाने लगा। अगले दिन भी ऐसा ही किया, जैसे भोजन आए वो भी आ जाता था। बच्चों का मुंह बकरी की तरह चलता है, खाते जाएंगे, टूल पास करते जाएंगे, थाली की तरफ। फिर मैं उसको कहा नहीं नहीं, मैं खाता रहा, मैं कहा कटोरा लाओ, वो कटोरा लाया, उस कटोरे में थोड़ा सा भोजन का अंश दिया, जैसे कटोरे की तरफ हाथ बढ़ाया, मैंने कहा नहीं, वो चुप रहा, नहीं हाथ बढ़ाया। भोजन मैं खाता रहा, आधा भोजन खाया वो देख रहा था, मैंने कहा खाओ, वो खाया। इस तरह 2 दिन 1.5 दिन मैंने 2-3 बार जब ऐसे किया, मैं अभी कन्फर्म हो गया ये थाली में हाथ नहीं डाला। तब जब उसकी माँ, मेरी वो बहू, मुझे भोजन देने आई, तो मैंने कहा देख, मैंने तेरे पुत्र को सिखा दिया है, अब मेरी थाली में हाथ नहीं डालेगा। मैं भोजन खाने लगा, वो बैठा आ जाता था, उसने थाली में हाथ नहीं डाला। मैंने कहा देख लिया तुमने, अब कटोरा लाओ, कटोरा लाए। मैं कहा कटोरे में डालूंगा तो भी नहीं खाएगा जब तक मैं नहीं कहूंगा। मेरे भाइयों, मेरे कहने का प्रयोजन है, मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चलतू भाई, पलक पलक मन और, मन के कहने पर कभी मत चलना, मन को कसना, मन भी ऐसा ही चंचल है। जो मन पर जो असवार है ऐसा बड़ा कोई, वही ज्ञानी पुरुष है।
वही ज्ञानी पुरुष है। यही राम जी कह रहे हैं, ये बहुत बहुत भीतरंग शत्रु है मन मेरा, मुझे व्यथित करता है। कभी शांति को ऐसे नहीं प्राप्त होता है जैसे मृग अपने समूह से भटक कर इधर उधर भटकता है, ये विषयों की तरफ दौड़ता है। वाह, नानक देव जी फरमा रहे हैं, मन माया में फंदरे हो बिसरे हो नाम गोविंद, कह नानक प्रभु भजमना अंत पड़ती हम फंद। मनोरथ रूपी तरंगों से युक्त और माया रूपी मकरों से व्याप्त इस मन रूपी समुद्र को रोकने में असमर्थ हूं। राम जी अपने गुरुदेव से ये कह रहे हैं, जैसे मृगा गड्ढे में गिरने की शंका न करके हरि धूप की ओर दौड़ता है, वैसे ही यह मन नरक में गिरने की चिंता न करके विषयों की ओर दौड़ता है। जैसे समुद्र अपनी चंचलता को कभी नहीं त्यागता है, हे गुरुवर, वैसे ही ये मन भी अपनी अति चंचलपने से को कभी नहीं त्यागता। जैसे पिंजरे में बंद किया हुआ सिंह कभी स्थिर नहीं होता, वैसे ही चिंताओं के समूह से घिरा हुआ ये मन कभी शांति लाभ नहीं करता है। और मैं इस मन पर बोलता हूं, मैं व्यंग नहीं कर रहा, कथावाचकों को देखता हूं कभी मन का विषय ही नहीं उठा रहे हैं। अभी मुझे खुशी है, मेरे कहने के उपरांत थोड़ा थोड़ा मन की तरफ झुक रहे हैं। अब साहब क्या करें, माला लक्कड़ पूजा पत्थर तीरथ है सब पानी, कहत कबीर सुनो भाई साधो चारों वेद कहानी। जैसे राजहंस पानी में से दूध को शीघ्र अलग कर देता है, वैसे ही मोहरूपी रथ में चढ़ा हुआ यह मन भी समता सुख आत्मज्ञान को शरीर से हर लेता है। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा वैरी मन। जीव के संग में अनकार राय अज्ञानी नर जानत नहीं। मुझे एक ने कहा, गुरु जी आप मन के संवाद पर ज्यादा बोलते हैं। मैं बोला मन ही तो कारण है, मन ही तो बंधन का कारक और कारण है। हे मुनीन्द्र, अनेक प्रकार की कल्पनाओं की शैया पर सोती हुई चित्त की वृत्ति किसी प्रकार नहीं जागती है, इसी से अत्यंत व्याकुल हूं। राम जी कह रहे हैं व्याकुल हूं। हे मुने, जैसे सूखे तृण को अग्नि जलाता है, वैसे ही निरंतर क्रोध से युक्त और चिंता रूपी ज्वाला से व्याप्ती है चित्त सभी अग्नि रूपी अग्नि मुझको दग्ध करती रहती है। हे ब्रह्मणम, जैसे क्रूर कुकरी सहित मृत के देह को भक्षण करता है, वैसे ही इस क्रूर मन ने तृष्णा रूपी स्त्री सहित मुझ ज्ञानहीन का भक्षण कर लिया है। भैया, राम जी को गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं थी, पर आत्मज्ञान के लिए उन्हें गुरु के पास जाना पड़ा। जैसे बांध से जल रुक जाता है, वैसे ही संसार सागर से पार होने का उत्सुक मैं इस चित्त से रुका हुआ हूं। अर्थात दुष्ट चित्त के कारण
से मैं संसार से पार नहीं हो सकता। जैसे कुएं की डेकरी बार बार रस्सी द्वारा ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाती रहती है, वैसे ही मैं कभी ऊर्ध्वगामी कभी अधोगामी मन की बुरी वासनाओं से लिपटा हुआ हूँ। जैसे बालक अपनी परछाई को बेताल समझकर भय मानता है किंतु यथार्थ होने पर उसे बेताल का भय जाता रहता है, वैसे ही चित्रूपी बेताल ने मेरा स्पर्श किया है, इससे मैं भय को पाता हूँ। इसलिए कहीं वही कहिए जिससे मेरे जिससे चित्रूपी बेताल नष्ट हो जाए, मन रूपी भूत जिसने मुझको पकड़ा है यह बड़ा कठोर। भाइयों बंधुओं, ये मैं बनाकर नहीं बोल रहा हूँ, वैराग्य प्रकरण सफा नंबर 41 पर यह संवाद। यह अग्नि से भी अधिक जलाने वाला है, इसका उल्लंघन करना पर्वत फांदने से भी कठिन है, यह वज्र से अधिक दृढ़ है। यह चित्त भोग विलास के कामों की ओर तो ऐसे दौड़ता है जैसे पक्षी मांस पर झपटता है, और सत्कर्मों से ऐसे विरक्त रहता है जैसे बालक खिलौना छिपा देने से रोता है। एतात जैसे अति गंभीर समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें भंवर और बड़े बड़े शरीर वाले जंतु उसके जल को चलाए मान करते रहते हैं, इसी तरह जड़ प्रकृति विपुल वित्त व्रत और मद आदि शत्रु मन रूपी समुद्र को चलाए मान करते रहते हैं। हे साधु, समुद्र को सोख लेना सुगम है, बड़े भारी सुमेर पर्वत को उखाड़ डालना कुछ कठिन नहीं है, अग्नि भोजन करना सरल है, परंतु मन को वश में कर लेना सबसे कठिन काम है। यही अर्जुन ने भी बोला है, जब कहा उन्हें आत्मज्ञान के लिए मन का निग्रह कर, मन का निग्रह कर, वासुदेव कृष्ण जी कह रहे हैं, अर्जुन ने कहा वायोर गंढंती असंभव, भाई हवा की गठान नहीं बांधी जा सकती, तदपि संभव है। बोला हे जनार्दन, वायु की गठान उदधि मंथना, उदधि समुद्र को कहते हैं, इसका मंथन असंभव है, असंभव है, तदपि फिर भी चेष्टा की जा सकती है। शून्य का तोड़ना आकाश भंजनम असंभव है, तदपि संभव है। कृष्ण ही मन प्रमथन, प्रमथन कहते किसी भी तरह वश में नहीं आने वाला, इसको वश में करने के लिए नहीं बोलो। आत्मज्ञान के लिए अब जब इस विषय को ही नहीं उठाएंगे तो आदमी जाएगा कहां, अपने अपने नफे की सभी बातें कर रहे हैं। यहां साहब एक बात कह रहे हैं, अंधा अगुआ तेमपुर माई भवन देते हैं पीछे जाइए, अंधा अंधे पहलिया दोनों को ऊपर जाइए। वाह साहब, व्यंगकार भी अच्छे थे, बड़ी मधुर भाषा में उन्होंने खबर लिए सके। जिस प्रकार शरद ऋतु का बादल भ्रमण करता है, आकाश में भ्रमण करता है, उसी प्रकार मैं भी चिंता रूपी चक्र में भ्रमण करता हूं। जैसे पक्षी जाल में फंस जाता है और उड़ नहीं सकता, वैसे ही हम चिंता रूपी जाल में फंसे हैं और आत्मपद को पाने में असमर्थ है, आत्मपद को पाने में असमर्थ है। अभी यहां साहब क्या कह रहे हैं, राम कृष्ण से को बड़ा, तिन भी तो गुरुकीन, तीन लोक के नायका गुरु आगे आधीन। हे तात, तात शब्द बड़ा सम्यक है, जैसे प्रिय मित्र को भी कहते हैं, पत्नी को भी कहते हैं, प्रिय माता कहते हैं, प्रिय बहन कहते हैं, प्रिय बेटी कहते हैं, प्रिय एक सम्यक शब्द है, ऐसे ही तात बड़ा सम्यक शब्द है। राम जी अपने गुरु को तात कह रहे हैं, तात मित्र को भी कहते हैं। हे तात, इस तृष्णा रूपी जाल ने मुझको ऐसा भस्म कर दिया है कि अमृत से भी उसके दाह के शांत होने की आशा नहीं है। मन ही स्वरूपी देव निरंजन तोय राख भरमाई, हे अंसा तू अमर लोक का पड़ा काल बसाई।
ये क्या है? मन तरंग में जगत भुलाना, वाह। मन पर जो असवार है ऐसा बिरला कोई, कबीरा ऐसा बिरला कोई। आपने देखा होगा कुछ समय पहले मेरी आंखें भीगी भीगी लगती थी, मैं सोचता था क्या कारण है। थोड़े दिन में मुझे कारण पता चला, मेरे कमरे में जो एसी है ऑटोमेटिक है, उसमें सिस्टम है, गर्मी में ठंडी हवा देता है, सर्दी में गर्म हवा। वो गर्म हवा पूरे कमरे में ऑक्सीजन भी कम करती थी और ऊष्मा, जिससे आंखों पर असर पड़ता। आज भी मेरी आंखों पर थोड़ा असर दिख रहा होगा। वजह, जो ये मैं वीडियो रूम रिकॉर्डिंग रूम बना रहा हूँ, ये मेरी बगल में है। इसको बनाने में एक्सपर्ट ने मुझसे 12 लाख रुपए बोले। मैंने दिल में सोचा 12 लाख रुपए में तो एक बिल्डिंग भी बन जाती है, क्या मामला है। मैंने एक आदमी जिसके पास ऐसा उसने अपने लिए स्टूडियो बनाया था, उससे पूछा, बोला, गुरुजी मुझे थोड़ा सा आइडिया है, मैंने भी अपने, वो सिंगर है, अपने लिए मैंने स्टूडियो बनाया है, गुरुजी पूरा मटेरियल का मुझे आइडिया है और मैं आपको इसमें सहयोग दूंगा। दिल्ली से उसने पूरा मटेरियल वगैरह मंगाया, बिजली, आप विश्वास करना, ये मैं करीब 2 लाख रुपए में खड़ा कर दिया। 3-4 दिन बाद मैं इसी में लाइव प्रोग्राम दूंगा, रिकॉर्डिंग करूंगा, भजन रिकॉर्डिंग होंगे। आप सोचे आज कितनी छल कपट है। पुराने जमाने में लोग किसी का धन लेने में डरते थे, पाप समझते थे, आज आदमी इसको कला समझता है। एक छोटा उदाहरण देता हूं, पुनः नटवर लाल जी के बारे में आपने सुना होगा, उसको ठगराज कहते थे। जैसे डाकुओं में मान सिंह बहुत बड़ा डाकू माना जाता था, मान सिंह को कहते थे बहुत बड़ा डाकू था। इस तरह ठगों में मानसिक डाकुओं का राजा था, इस तरह ठगराज कहते थे नटवर लाल जी को। आप कहेंगे उन्हें नटवर लाल जी क्यों बोल रहे हो? सभी मान दे आप अमानी सोमम प्रे प्राण संप्राण। सुनिए, वो जेल में बंद था, कई मुकदमे थे उस पर। उसने जज साहब से कहा, जिरह करनी थी, जज साहब ने कहा वकील कहाँ है तुम्हारा? बोला, हुजूर मैं जेल में बंद हूँ, कहाँ से पैसे लाऊं? वकील मेरा कोई नहीं, जो आपने जिरह करनी है पूछना है वो मुझसे कीजिए। बोला, और उन्होंने जज साहब से कहा, मुझे ये बताओ मुझे जेल में क्यों रखा गया, मैं तो बेकसूर हूँ, मेरा कसूर क्या? जज साहब ने कहा, नटवर लाल तुमने एक व्यापारी से ठगी करके 10 लाख की घड़ियां खरीदी, उसे तूने जाली चेक दिया और बाउंस हो गया, ये अपराध है। बोला, कौन सा अपराध महाराज, मैं तो उससे सामान लेता रहता था, पैसे देता रहता था, नटवर लाल क्या किया, पहले उससे पैसे कैश लेकर के सामान लिया, ठग बहुत तेज होता है, फिर वो क्या करने लगा, ज़्यादा सामान लेने लगा, फिर उसने कहा महाराज मुझे थोड़ा उधार दे दो मैं दे जाऊँगा। कहा ठीक है, 1.5 लाख 2 लाख देता रहता था। अब दुकानदार ने सोचा ये बहुत बड़ा ग्राहक है, आखिर में 10 लाख का माल लेकर के चंपत हो गया। बोला, महाराज घाटा पड़ गया, कभी कभी बिजनेस में घाटा हो जाता है, टाइम पर पैसा नहीं हुआ, कभी कभी पता भी नहीं चलता है, ये कौन सा अपराध है? अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि भाई 2-3 और अपराध ऐसे बताए, तुमने ये किया, ऐसे ऐसे किया। वो काटता गया, फिर बोला, तुम जेल से भी भागे,
बोला महाराज ये कौन सा अपराध है? आदमी स्वतंत्र रहना चाहता है, मैं एक बेकसूर आदमी हूं, मुझे जेल में बंद रखा, मैं एक व्यापारी हूं। बोला पक्षी को भी जेल में रखो, पिंजरे में तो कहीं चोंच चलाता है, कहीं पूंछ मारता है, कहीं पैर चलाता है, निकलना चाहता ना, मैं एक इंसान हूं, मैं जेल से निकलना चाहता था, ये मेरी कला थी, मैं निकल आया। बोला जज साहब फिर भी मैं भग जाऊंगा जेल से। अच्छा कोई बात नहीं थी, नटवर लाल पर कई जगह के मुकदमे, शायद किसी ने इस पर फिल्म भी बनाई है, मैं तो सिनेमा वगैरह नहीं देखता हूँ, क्योंकि ये सिनेमा देख रहा हूँ दुनिया पूरी एक पिक्चर है। अजी उसकी कहीं पेशी थी, भोपाल से दिल्ली लाना था, एक इंस्पेक्टर दो सिपाही साथ में आए। अब 30,000 कोर्ट में कहीं केस था उनका, जब वापस जाना था भोपाल, ट्रेन थोड़ी लेट थी, इंस्पेक्टर साहब ने सिपाहियों को बोला और वो व्हील चेयर पर था, बोला आप लोग यहीं रहो, मैं भोजन खा के आता हूं, फिर आप लोग जाना। वो चले गए। अब उन्होंने देखा ये तो व्हील चेयर पर है, काफी दिन से था, देखो कितना इंटेलिजेंट था, वो व्हील चेयर पर था। इतने में एक दूसरे सिपाही ने भी अपने साथी को कहा तू यहां रहना, मैं भी ढाबे से थोड़ा भोजन खा के आता हूं। वो भी थोड़ा चला गया। अब व्हील चेयर पर नटवर लाल और एक सिपाही था। नटवर लाल ने क्या कहा, उफ बहुत गर्मी है, पैसे निकाले, बोला यार दो कोको कोला लाओ, एक आप पियो एक मैं पीऊं, गर्मी से बुरी हालत है। वो सिपाही कोका कोला लेने गया, वापस आया तो नटवर लाल चेयर से नदारद था, हाहाकार मच गया, नटवर लाल नहीं मिला। भाव क्या है, उसने जेल में पहले ही 2-3 महीने पहले प्लान किया, देखा वो क्या बोला, 2-3 महीने प्लान किया, प्लान करके कि कैसे कैसे भगना है, मुझ पर सख्त पैर है, उसने ड्रामा किया, मैं चल ही नहीं सकता हूं जेल में, व्हील चेयर पर चलने लगा, सबको ये भरोसे में दिलाया कि मैं चलने में असमर्थ हूं, ये ड्रामा पूरा करके कैसा मौका निकाल करके भग गया। वो क्या कह रहा था जज साहब को, मैं एक व्यापारी हूं, वो ठगी को व्यापार बोल रहा, बोला हर जगह ठगी ठगी तो है महाराज, मैं कौन सा ठग हूं, पूरी दुनिया में ठगी ठगी, जैसे गीत नहीं है इस दुनिया में सब चोर चोर। तो कहने का भाव ये है, एक तो है ताहे समझाऊं सभी भुलान है पिटवा के धंधा, कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं सब जग अंधा। बस आप मन से हमेशा सावधान रहना, मन से गफलत में कभी नहीं होना। नटवर लाल जी तो उसका चेला था, मन उससे भी बड़ा ठग है। मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला, जीव के संग मन काल रहा ही अज्ञानी नर जाना। इसको पकड़ना, नाम रूपी रस्सी में बांधना, आपके पास नाम के बाद एक ताकत है, आप उसको पकड़ सकते हैं। गवाही देता हूं, आप खुद देखो, नाम के बाद आपकी वृत्तियां काफी अधीन आ गई है, अंतर ज्ञान हो गया है, आप में सुषुम भेद खुल गया है, अब आपके लिए मन को नियंत्रित करना मुश्किल काम नहीं है। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा साहेब।